मेरा वीरा खा गया री, अरे मेरा वीरा को कोई तो बचा लो री, अरे मेरे भाई। आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। यहां विक्की त्यागी गेम के शार्प शूटर सोनू त्यागी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। कुख्यात अपराधी विक्की त्यागी गेम के शार्प शूटर सोनू त्यागी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से हड़कंप मच गया है। सोनू त्यागी 15 दिन पहले ही सिपाही की हत्या के मामले में जेल से बाहर आया था। वह बीते दिवस लापता हो गया था और आज सुबह ही के खेत से उसका शव मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव चौकड़ा निवासी सोनू त्यागी गैंगस्टर विक्की त्यागी गैंग का शार्प शूटर रहा है और कुछ बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उस पर एक सिपाही चुन्नीलाल की हत्या का मामला दर्ज है, जिसमें उसे जेल हो गई थी और 15 दिन पहले ही वह जेल से जमानत पर बाहर आया था। बीते दिवस वह अपने घर से निकला था लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी सभी संभावित स्थानों पर तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। आज प्रातः के समय ग्रामीण अपने खेतों में गए तो उन्हें सोनू त्यागी का शव एक ईख के खेत में अमरुद के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। सूचना मिलते ही परिवार के लोग रोते बिलखते वहां पर पहुंचे। इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। आइए करते हैं सोनू त्यागी के परिजनों से बात। मामले की पूरी जानकारी देंगे एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय। मुजफ्फरनगर से शाहिद अब्बासी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक। आपका नाम? नितिन। नितिन जी, आपके भाई की डेड बॉडी जंगल से बरामद हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है? क्या मानते हैं आप? मानते तो हो, अच्छा अच्छा हम कोई रंजनी से कुछ नहीं थी, मोटा वो चल रही। कितने दिन पहले आपके भाई जेल से रिहा हुए थे? 15 दिन ये थे। किस मामले में जेल में थे और क्या नाम था उनका? उसका नाम था सोनू त्यागी। मामले में वो झगड़े में जगह था, फिर गांव को लगा, फिर लगती चले गई। क्या किस मामले में बेल मिली थी आप? अब तो बेल झगड़े को समय मिली। क्या हुआ था झगड़े में? झगड़ा एक मुठा का मिस्त्री था, उसके लिए उसकी मारपिटाई हो गई थी, रिपोर्ट कर दी, रिपोर्ट करने को गया जेल चलेगा। मर्डर केस में बेल मिली? वो तो पहली मिली, तो पहली मिली और कोई अभी साबित नहीं, कोई नहीं साबित करे अभी। कहाँ खाते दोषी? अब आप क्या मानते हैं इसे? बोलो भाई को दोषी दोषी नहीं मानते। अब आपका भाई की डेड बॉडी मिली है, इसे आप क्या मान रहे हैं? तो किसी भी साथी नहीं मानते किसी भी। अच्छा, हट्टा कट्टा लड़का ऐसा तो मिल नहीं सकता। आपका नाम? मेरा नाम ललिता त्यागी। ललिता त्यागी जी, आपके भाई की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल से डेड बॉडी मिली है। हाँ जी। क्या है पूरा मामला? मामला पूरा और जी, कुटेसरा चौकी के जो दरोगा इंचार्ज, वो टॉर्चर कर रहे थे बहुत ज्यादा मेरे भाई को। गांव में तो शिकायत जा रही थी उसकी, उसे गांव में नहीं घुसने दे रहे थे। जमानत को बाहर आया हुआ था मेरा भाई। कब आया था आपके भाई? 19 तारीख में बेल हुई। लगभग कितने दिन हो गए होंगे? 15 दिन में सब कुछ हो गया भैया उसका। किस आरोप में जेल में था आपको? वो तो आप वैसे ही झगड़ा था जी, यहाँ से गांव यहाँ से उठा कर ले गए थे, पीठ भर रही थी 2 साल पहले, दिखा दिया था वहाँ से किस्सू खड़ा ने हर पस, और पूरा गाँव यहाँ था जब भी पुलिस वालों ने झुट्टी बना दी। किस आरोप में जेल भेजा था? एक तो चुन्नीलाल के मर्डर में विक्की त्यागी के उसमें झूठा फंसाया था मेरे भाई को, गांव की रंजिश में मेरा भाई जेल गया था 3 महीना पहले, आपस में गांव की रंजिश 10 साल से चल रही, मेरे भाई को गांव में नहीं घुसन दे रहे थे ये। जब भी मेरा भाई गांव में आता जब भी पुलिस को फोन कराते। आज आपके भाई की डेड बॉडी क्या मानते हैं? क्या क्या लग रहा है आपको? भैया मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और क्या लगता है? क्या लगता है आपको? मेरे भाई की मौत कराई गई, मेरा भाई खुद नहीं गया, उसके साथ जो भी हुआ उस पर जबरदस्ती करवाया गया है, वो मारा गया। भैया मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस आई थी, क्या आश्वासन देगी? पुलिस कुछ नहीं कहेगी, पुलिस बॉडी को उठा के लगी, इतना मैं यहाँ पहुँच नहीं पाई। सर, एक गैंगस्टर के ये थाना चरथावल क्षेत्र में एक जो पुराना अपराधी है, और उसमें सूचना मिली थी कि उसने सुसाइड कर ली है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची थी और
बॉडी को अस्पताल पहुंचाया गया पोस्टमार्टम के लिए और उसी के आधार पर हम आगे की भी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई कारण नहीं आया है, कोई तहरीकी प्राप्त नहीं है, जो भी होता है उस आधार पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।